सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ मशरूम की सब्जी। तो ये मैंने मशरूम को कट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अब टाइम है मशरूम को फ्राई करने का। तो आइए चलिए मशरूम को फ्राई करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मसाला फ्राई करने के लिए दे दिया है, जिसमें मैंने प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च और जीरा दिया है। थोड़ी देर में गरम मसाला भी दूंगी, उसके बाद इसको फ्राई करने के बाद ठंडा करूँगी और फिर देखूँगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने टमाटर और गरम मसाला, धनिया पाउडर दे दिया। अब थोड़ी देर फ्राई करने दूँगी, उसके बाद निकाल के ठंडा करूँगी। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ मसाला फ्राई हो गया, अब इसको ठंडा होने तक वेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने मसाला को पीस के छौंक दिया है, इसमें नमक और हल्दी ऐड किया, इसको पकने तक ढक देती हूँ। शिवाय नमस्तुभ्यम, स्वागत है आज आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। मेरा नाम है जूही अवस्थी, मैं बिहार भागलपुर की रहने वाली हूँ। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो चलिए आज से स्कूल स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे साथ स्कूल। आप खुश हैं? लीजिए अपना अमानत। बोलिए क्या, अच्छे से बोलिए, आवाज आना चाहिए। बैग मिला है तो खुश हैं आप? चलिए गुड्डी इधर आइए। बैग मिला है तो आप खुश हैं? यस, बहुत खुश। तो और अच्छे से पढ़ाई करेंगी। हाँ। और किसको बैग मिला है? हाँ, पायल। पायल, बैग मिला है तो खुश हैं? हाँ मैम, बहुत खुश। हाँ। चलिए और किसको बैग मिला है? इधर आइए, इधर आइए, बताइए बैग मिला है तो खुश हैं? हाँ। चलिए सब लोग खुश? यस मैम। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे भोलानाथ पुल है, इस पे फ्लाईओवर बनाया जा रहा है, तो आप लोग भी उसके दर्शन कर लीजिए। अभी तो रोड की हालत बहुत ख़राब है, बट कुछ दिन में भागलपुर ट्रैफिक फ्री होने वाला है। और आज आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं बुढ़िया काली मंदिर आई, यहाँ माता रानी के दर्शन किए। आफ्टर ए लॉन्ग टाइम मैं और रूप यहाँ आए, इसीलिए मैंने पैदल चलना ज़्यादा प्रेफर किया ताकि मैं मंदिर आ पाऊँ। उसके बाद भाई आ गया था तो हम लोग उसके साथ मार्केट गए थे। चलिए मेरे साथ आप लोग भी मार्केट। भागलपुर का चर्च जो घंटाघर में स्थित है।
फ्रेंड्स देखिए, अब मैं बनाने जा रही हूँ फेस पैक। एज यूजुअल मेरे फेस पैक में होता है मुल्तानी मिट्टी, एलोवेरा जेल, विटामिन ई का कैप्सूल, और उसको मैं घोलूँगी गुलाब जल के साथ। बस इतना सा रोज लगाना है, रोज। हाँ, ऑलमोस्ट मैं 1 by 1 डे करके लगा ही लेती हूँ रोज ही। आजकल थोड़ा अपने स्किन का केयर ज़्यादा कर रही हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा गंदी हो गई हूँ, मेरा चेहरा ज़्यादा ख़राब लगने लगा है, इसलिए मैं स्किन केयर कर रही हूँ। देखती हूँ उसका कोई बेनिफिट होता है या नहीं। देखिए, ये मैंने पैक लगा लिया है, अब इसको 15 मिनट रखूँगी, 15 मिनट या सूखने तक। फिर मैं फेस वॉश करके आपको दिखाती हूँ, तब तक। सो फ्रेंड्स देखिए, मैंने फेस वॉश कर लिया है, ये मेरा फेस है। मुल्तानी मिट्टी इज़ द बेस्ट फॉर फेस। तो बस इसके साथ ही मेरा आज का दिन यही समाप्त होता है। गुड नाइट। आप थैंक यू यहाँ तक मेरे ब्लॉग को देखने के लिए। गुड नाइट, बाय बाय, जय माता दी।